हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? तो मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहले कौन सी टाइप है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम देख लेते हैं कि कैसे होती है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा जैसे 2, 3, 1, 5, 7, 8। तो इसमें क्या है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो ये एक रेक्टेंगल के जैसी है, तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, है ना? तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4 और 5, ठीक है? इसका 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ओके, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। आगे है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देख लेते हैं। तो ये हम लिखने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका होगा जैसे 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, ठीक है? तो जो हमने नंबर्स लिखे 1, 2, 3, ये एक डायगोनल में है, ठीक है ना, डायगोनलिटिक फॉर्म में है, ठीक है ना? तो ये डायगोनल बनाते हैं, इसीलिए इसे डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, ओके? तो आगे है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जैसे देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है? जैसे कि यहां पे 1, 2, 3 लिखा है, स्केलर का मतलब एक सार, एक सार। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये एक सार हो, ठीक है ना? अगर 2 है तो 2, 2, 2, अगर 3 है तो 3, 3, 3। तो जैसे लिख लेते हैं 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स स्केलर एक सार है, ठीक है? तो सभी जगह 2, 2, 2, ठीक है? तो इसमें 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां पे 1 आ गया तो वो क्या होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो वो क्या होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1, 0, 0, 1, ठीक है? तो ये डायगोनल में कौन से एलिमेंट है, 1 और 1, सेम एलिमेंट है बट क्या है, 1, 1, ठीक है? तो ये क्या होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ओके? तो आगे लिख लेते हैं सिक्स ट्राई, क्या है, नल या फिर जीरो, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जीरो, जीरो, जीरो और जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है? तो उसे कहेंगे हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो इसके बाद है रो मैट्रिक्स। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि 2, 3 एंड 1। तो ये क्या है, एक रो ही है ना, कॉलम, 3 कॉलम है इसमें, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। सिर्फ एक ही रो हो जिसमें, उसका क्या नाम है, रो मैट्रिक्स, ओके? और आगे है हमारे पास
कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे कि टू थ्री एंड वन, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो आगे नाइन्थ, अपर ट्रायंगल या फिर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगल या फिर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अगर हम अपर ट्रायंगल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे हम जैसे टू थ्री एंड फोर। ओके, तो हमने क्या देखना है? अपर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल ऐसे बनेगी, बाकी सारे जीरो एलिमेंट, ठीक है ना? ये वाले जो होंगे वो कुछ ना कुछ होगा, जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे, ठीक है? तो बाकी हम जीरो ले लें बाकी सारे एलिमेंट्स। तो ये वाला जीरो हो गया, ठीक है ना? ये तो डायगोनल हो गई होगा, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, फाइव, यहाँ पे टू ले लेते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये अपर ट्रायंगल बन गई ना, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसलिए कहते हैं इसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगल के वक्त क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लगाई है ना, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है? वहां पे वन टू, यहाँ पे थ्री कर देते हैं। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे जीरो ही आएगी, यहाँ पे जीरो ही आएगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगी, तो यहाँ पे फिर से फोर कर देते हैं, टू वन। ओके, तो ये कैसे होगी? ऐसे होगी ना, ठीक है? तो ये क्या है? लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो ये क्या थी? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसके बाद है सब मैट्रिक्स। 10th नंबर पे है सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स का मतलब, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये है फोर फाइव सिक्स टू थ्री वन, वन टू टू, ये वाली एक मैट्रिक्स है, तो ठीक है ना? तो इसमें से अगर हमने एक और मैट्रिक्स इसी में से निकालनी हो, ठीक है ना, इसी में से एक मैट्रिक्स निकालनी हो, तो क्या लिख सकते हैं उसे? वो कोई भी निकाल सकते हैं हम। तो जैसे कि अगर हम फोर फाइव टू थ्री को निकाल लें, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है ना, फोर फाइव टू थ्री, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर था 3/3 का। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 का, ठीक है? तो ये बड़ी मैट्रिक्स हो गई, ये छोटी मैट्रिक्स, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो अगर हम मैट्रिक्स में से एक दूसरी मैट्रिक्स निकाल लें तो उसे सब मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना? तो आगे हमारे पास 11th, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, जैसे कि ए और बी, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, तो ये दोनों इक्वल तब होंगी, दे ये दोनों इक्वल तब होगी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल, ठीक है ना? तो ए इज इक्वल्स टू बी तब होगा अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे। जैसे कि ऑर्डर हम रख लेते हैं 2/2 की, ये रख लेते हैं 2/2 की, ये रख लेते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट लेंगे हम? वन फोर फाइव जीरो। ओके, अगर इधर ये एलिमेंट है तो इधर भी यही एलिमेंट होंगे, वन फोर फाइव एंड जीरो। तो ये क्या हो गया? ए इज इक्वल्स टू बी हो गया, ठीक है? ए इज इक्वल्स टू बी हो गया।
तो ए इज इक्वल्स टू बी का क्या मतलब है? ए इज इक्वल्स टू बी का मतलब कि टू मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है ना, टू मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अब टाइप्स के बाद हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब टाइप्स के बाद हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो अब है टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसमें? ए पार्ट है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो एडिशन कैसे करेंगे हम? टू मैट्रिसेस की एडिशन कैसे करेंगे? इसकी कंडीशन है एक, और कंडीशन क्या है कि अगर हम टू मैट्रिसेस लेते हैं, ए और बी, तो उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन का मतलब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ए मैट्रिसेस में है, उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बी मैट्रिसेस में होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। तो एग्जांपल है कि ए मैट्रिसेस है हमारे पास, वो है 2 3 1, 4 5 2 7 2 एंड 9, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 5 9 7 8 6 1 2 एंड 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का, और इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर उन्होंने कह दिया कि फाइंड करो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी। तो इसका एडिशन करेंगे हम, ठीक है, इन टू मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे हम। तो अगर उन्होंने कह दिया कि इसका एडिशन करना है हमें, ठीक है, ए प्लस बी का एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, अब इसका सेकंड एलिमेंट और इसका भी सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, 3 प्लस 5। और ऐसे ही आगे सभी को करेंगे हम, 1 प्लस 9, ऐसे ही 4 प्लस 7, 5 प्लस 8, 2 प्लस 6, ऐसे ही सभी को कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या आएगा? 4 यहां पे, 8 यहां पे, 10, ओके, यहां पे कितना आ गया? 11, और यहां पे 13, यहाँ पे 8, यहाँ पे ना 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो a प्लस बी करके हमें क्या मिला? हमें ये मैट्रिसेस मिली जो कि 3 बाय 3 ऑर्डर की ही है, ठीक है। ये दोनों भी 3 बाय 3 ऑर्डर की थी, और जो बनी है a प्लस बी मैट्रिसेस वो भी 3 बाय 3 ऑर्डर की ही है, ठीक है। तो एडिशन तभी हो सकती है अगर ऑर्डर सेम हो। तो अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसकी भी ऐसी ही एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही है ए और बी, ठीक है। क्या है? यही दो मैट्रिसेस ए एंड बी है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि फाइंड आउट करो, फाइंड आउट ए माइनस बी। तो कैसे करते हम? ए माइनस बी इज इक्वल्स टू
तो 2 माइनस 2 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इसका माइनस फर्स्ट एलिमेंट ही बी मैट्रिक्स इसका, और सेकंड एलिमेंट ए मैट्रिक्स इसका माइनस सेकंड एलिमेंट बी मैट्रिक्स इसका, तो ऐसे ही लिख लेंगे 3 माइनस 5, 1 माइनस 9, 4 माइनस 7, 5 माइनस 8, 2 माइनस 6, 7 माइनस 1, 2 माइनस 2, 9 माइनस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे अब, इसका क्या आ गया 0, और इसका -2, -8, ओके -3 आ गया, और इसका क्या आ गया -3 ही इसका आ गया, ठीक है। -4, ये 6, ये 0, ये 6, ठीक है। तो इसका भी क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का, ठीक है ना, ऑर्डर वही सेम ही रहेगा, ठीक है। 3/3 का, 3/3 का इनका था, तो 3/3 का ही इसका होगा। ओके, इसमें आगे कौन सा टॉपिक है, तो इसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, या फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो सी है, स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। स्केलर का मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है, तो एक कांस्टेंट के साथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट में आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करना कैसे है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1, 1 2 3, 2 4 5, ठीक है, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और हमें स्केलर दिया है। स्केलर का मतलब इसमें क्या दिया होगा, एक कांस्टेंट दिया होगा जिसे डिनोट किया जाएगा के से, जिसे के किससे डिनोट किया जाएगा के से। तो इसमें मान लीजिए हमें दिया हुआ है के, ठीक है, के की वैल्यू क्या दी हुई है 2, के की वैल्यू क्या दी हुई है 2, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं के की वैल्यू 2, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें करनी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे के ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, सारी मैट्रिक्स के आगे 2 आ जाएगा और बीच में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 1, 1 2 3, 2 4 एंड 5, ओके। तो इस 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 2/2, 3/2, 1/2, 1/2, 2/2, 3/2, 2/2, 4/2, 5/2, ठीक है। तो क्या आएगा रिजल्ट, तो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास 2/2, 4, 3/2, 6, 1/2, 2, ओके। यहां पे 2, 4, 6, 4, 8 एंड 10, तो ये क्या है, ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है, जिसमें हमने किसका यूज किया है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो उस कांस्टेंट को उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है, फिर ही हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किन्हें देखेंगे, उन प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स का रिजल्ट आई तो वो बी प्लस ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी करें तो वो बी प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की। सेकेंड प्रॉपर्टी किसके बारे में है? एसोसिएटिव के बारे में। तो इसमें कहते हैं अगर हम पहले ए प्लस बी को ऐड कर लें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड कर लें, और बाद में हम सी मैट्रिक्स को उसमें ऐड करें तो इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब कि हम ए प्लस बी पहले करेंगे और सी को बाद में करेंगे, ठीक है ना। और इसका इधर मतलब क्या है कि हम बी और सी को पहले करेंगे और ए को बाद में करेंगे, और ए को बाद में करेंगे। ये कहते हैं दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, और इसी का मतलब है एसोसिएटिव, ठीक है, इसी का मतलब है एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो इसमें क्या कहते हैं? अगर कांस्टेंट को, अगर के को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाता है तो बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा। तो वही तो है, के को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? के इंटू ए प्लस के बी, ठीक है ना, तो बराबर ही होगा ना ये। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये थी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, अगर ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर बाद में सी को करें, और इधर बी और सी को पहले किया गया और ए को बाद में किया गया, ठीक है ना। ये थी मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टीज थी एडिशन को लेके, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं ओवरव्यू पे, ठीक है, मैं ओवरव्यू दे चुका हूं इस सब्जेक्ट का कि मैं कैसे सारा कुछ करूंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे चैप्टर्स होंगे, उनकी सीरीज बनी हुई है, वो मैं लाइन वार ही उठाऊंगा। और ओवरव्यू के बाद एक और वीडियो बन चुकी है जो कि बेसिक्स ही है सारा, मैट्रिसेस का, ठीक है, मैट्रिसेस का बेसिक्स है, ठीक है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप बेसिक्स देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो आप पहले बेसिक्स देख लीजिए, और इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा।